जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज तो ऐसा लग रहा है बजरंग बली मार्केट में आ गए। आज मंगलवार है तो बजरंग बली ने पूरा जोर लगा के मार्केट को खींच दिया। इतना बल तो कल की मार्केट को देखते हुए कभी भी नहीं लग रहा था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बलवान काम हुआ है। तो सबसे पहले क्लोजिंग देख लेते हैं। 521.15 का क्लोजिंग आया, यानी कि 516 के ऊपर आया। पहला बात, यानी कि टेक्निकली अगर मैंने जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था वो हिट हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन बाद में मैंने बताया था आपको वो स्टॉप लॉस नहीं होता, लेकिन ऐसे वो अलग चीज़ है। पहले बात तो ये इम्पॉसिबल फिगर लग रहा था आज के लिए। तो मार्केट एक ही चीज़ सिखाता है, अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी इन दिस स्टॉक मार्केट। जो अनसर्टेन चीज़ होती है वही इस मार्केट में सर्टेन होती है, ठीक है। तो ये हो गया 521 की क्लोजिंग। अब आ जाता है सीधे सीधे चार्ट में, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ बकवास, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अभी भी मार्केट जिंदा है। देखिए अब टेक्निकली कैसा होता है, ये एक हाई बनाया 653, उसके बाद इसको लोअर हाईस यहाँ तक नीचे आया। आप देखो यहाँ तक नीचे आया, तो अब इस हाई को नहीं तोड़ना चाहिए था, इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आज तक तो नहीं तोड़ा, तो ये एक लेग बना। दूसरा लेग इसको यहाँ तक लाती है 14,000, यानी कि अब जो कल से गिरावट आती है वो 14,000 की तरफ लाती है। फिर से एक छोटा बाउंस लेगा यहाँ से, फिर इस तरह से फॉल होती है, ठीक है। ये तो आगे की बात होगी, लेकिन कल क्या होता है वो देखने लायक रहेगा। तो अभी टेक्निकली जो स्टॉप लॉस आ रहा, पहले तो वो मैं जिक्र कर देता हूँ, उसको हटा देता हूँ। देखिए टेक्निकली आप सबसे पहले इसको देख लीजिए कि अभी भी बियर्स के हाथ में ही बाजी है, जब तक इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करते, क्योंकि टॉप हमारा 653 का है, जो कि अभी भी काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, जो कि पिछले बुधवार का टॉप है, पिछले बुधवार का। तो अब देखो, अगर आप ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक नहीं गया, यानी कि और यहाँ पे एक लो बनाया, तो अब अगर ये आज इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता तो इसको क्या बोलते हैं, फिर से हायर हाई पैटर्न के तरफ जा रहा है। लेकिन अभी तक ये लोअर हाई पैटर्न में जा रहा है। ये एक लो हो गया, दिस ये हाई हो गया, इस हाई का ये लो हो गया, और अभी अभी तक ये हाई है, तो नेक्स्ट लो ऐसा होना चाहिए यहाँ तक। ये टेक्निकल बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर निकल गया, ये जो ऊपर लाइन टानी है, तो फिर सिर्फ हम लोग ताली बजा सकते हैं घर में बैठ के। ये मैं टेक्निकल समझा दिया आपको। अब आ जाइए कल के लिए लेवल क्या बनता है वो भी बता देता हूँ। ये देखिए इन्वेस्टिंग की साइट है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि आज इसने अपने लेवल को बचाया। मैंने आपको 516 का बोला, डेफिनेट है, क्योंकि मैंने इस कैंडल का मिडिल बोला, इस कैंडल का जो प्रीवियस शुक्रवार की कैंडल का, उस हिसाब से इसने लगभग वहीं पे क्लोज दिया। लगभग एग्जैक्ट बोल सकते हो आप, इसका मिडिल एग्जैक्ट ही आ रहा है। मैंने एक अंदाजा से 516 बोला, तो 521 ही इसका मिडिल आ रहा है, वहीं पे क्लोज दिया। लेकिन आप देखो, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो अभी भी बाजी बियर्स के हाथ से खिसके नहीं है, लेकिन आज नानी याद दिला दी, ये बात मानना पड़ेगा। 2 दिन ऐसी गिरावट थी कि नोबडी कुड हैव इमेजिन, इवन इवन 14,450 भी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। भाई साहब ने तो 14,545 राउंड फिगर में, अगर मैं आज के हाई को मानूं तो 545 का हाई बना दिया। अब आप देखो इसकी गिरावट का नोट करो, 545 का हाई बना दिया। इस कैंडल 617 का टॉप था, जो फ्राइडे का टॉप था 617। टेक्निकली अभी तक वो टॉप नहीं टूटा, वेरी गुड। और ओवरऑल जो टॉप बना अभी तक 653, वो तो अभी भी 110 पॉइंट आज के हाई से दूर है, आज के हाई से 110 पॉइंट दूर है। तो अभी आप ये मत समझ लीजिएगा कि हाथ से बाजी बियर्स की चली गई, लेकिन कब चली जाएगी ये आपको जानना जरूरी है। कब चली जाएगी, जब ये महाराज जी कल, अब कल ये लो, आज आज का लेवल एक्चुअली ये आ रहा था। मैंने आपको 516 जरूर बताया, आज का लेवल स्टॉप लॉस का ये आ रहा था 500, एग्जैक्टली बता दो 565 आ रहा था।
ये एग्जैक्ट दिखा रहा है, देखिए लाइन 565 के ऊपर की क्लोजिंग, जो मैंने डे बाई डे आपको बताया था उस दिन, उसमें यही है 565 ही शायद बताया होगा मंगलवार के लिए, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ 595, 565 फिर ऐसा कुछ बताया, ठीक है। तो कल के लिए क्या लेवल है, कल के लिए भी ध्यान रखिएगा, आज की क्लोजिंग 521 है, सुन लीजिएगा 521 आज की क्लोजिंग है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ये सीख भी जाइए कि कैसे निकाला मैंने। अगर ये कल किसी भी कारण से क्या ले रहा था, ये 545 आज का तो हाई भी यही है 544, ये तो वही आ रहा कल के लिए। हाँ ये आएगा ना यार, एग्जैक्ट निकालते हो वहां, सही है ना, ऊपर ले जाऊं थोड़ा सा 544। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, आज का जो हाई है वही आपका कल के लिए स्टॉप लॉस हो गया क्लोजिंग बेसिस, और आपका टारगेट भी बता देता हूँ। चलिए इमीडिएटली मैं अगर इसका बाउंस से नीचे देखूं तो यहाँ तक तो 2 दिन में आ जाना चाहिए, 14,095 का टारगेट तो कंफर्म आ रहा है, लेकिन 534 का स्टॉप लॉस है, 544 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस। ये सब स्पॉट के लेवल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये लाइन भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसा आएगा। ड्राइंग पेंसिल ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, आज यहाँ तक छू दिया, अब नेक्स्ट लो यहाँ तक बनना चाहिए अगले 2 से 3 दिन में। अब ये क्या लेवल आता देख लेंगे, अब यहाँ तक तो आना ही चाहिए इसको लो को, अगर कल इसके ऊपर नहीं जाता 534 के ऊपर, 544 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता तो इसी के आसपास कल 34 या 44 का कल हाई बना के वापस नीचे आता है, तो यहाँ तक आने की पूरी, फिर उसके बाद इसका हाई बनेगा यहाँ तक, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। ये आगे की चाल मैं बता रहा हूँ, अगर ये लाइन सेव रही, ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है, और ये लोअर हाई पैटर्न बना रहा हूँ मैं, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई देखिए, ये हाई था ये लो बना, अब ये हाई बन जाए अगर आज का 544 तो अब ये लो बनना चाहिए आने वाले 2-3 दिन में, उसके बाद वापस यहाँ तक हाई बनना चाहिए, फिर वापस यहाँ तक, ऐसा पैटर्न अगर बन जाए तो हमारे हाथ में बाजी रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या बचाना पड़ेगा, 14,545 छोटा सा, क्योंकि आज तो आप 521 पे तो क्लोजिंग किए हो, 545 ये आपका आखिरी और फाइनल स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग निफ्टी स्पॉट, ये स्पॉट के लोग निफ्टी स्पॉट। लेकिन आपको तो अभी हंसी आ रही है यार, क्या दे रहा है ये, मैं कुछ नहीं करूँ, आज आज का मार्केट आप किसी भी एनालिस्ट को पूछ लो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 सोचा होगा या 450 सोचा होगा, 545 आज छू देगा ये किसी के, तो ये मार्केट है, इट गिव्स यू। लेकिन अभी भी हम जिंदा है, क्योंकि हम ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ किया हूँ, दिस ट्रेंड लाइन इज स्टिल अलाइव, ठीक है, तो ये अलाइव है क्योंकि मार्केट ये कैंडल ने आज इसके ऊपर नहीं गया, तो कल के लिए ये लेवल निकल के आता है 14,545। उसके बाद अगर आपको देखना है तो उसके बाद कल ये लेवल आता है
चलिए मैं पहले तो इसको ड्राइंग को हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद का लेवल आता है आपका, जैसे एक लेवल आ गया, ये कल के लिए हमको पता चल गया 545 हमारा स्पॉट स्टॉप लॉस है। उसके बाद गिरावट आनी चाहिए, गिरावट इसको कहाँ तक लानी चाहिए, कम से कम 14,080 तक लानी चाहिए, 14,080 तक, कितना 14,080 तक तो कम से कम इसको आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर कल 545 के ऊपर क्लोज नहीं करता, ठीक है। एक नंबर पॉइंट, बाद में अगर यहाँ से वापस रिवर्स होता तो वापस क्या हाई बनना चाहिए वो भी बता रहा हूँ, वापस भी इसको इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 440 के ऊपर हाई नहीं बनाना, क्लोज नहीं करना चाहिए 440 के ऊपर। और अगर ये 440 टच करके वापस नीचे आता है तो यहाँ तक आता है, ये आता है 13,800। तो इस तरह से मुझे मूवमेंट लग रहा है, जो मुझे लग रहा है वो बता रहा हूँ, बाकी कोई मानने लायक तो बात नहीं है। फिर भी 545 जिंदा है टाइगर, तो बस इतना ही आप लोग को एक खुशखबरी दे रहा हूँ, बाकी तो कुछ है नहीं, खुशी के लायक कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या किया, अरे यार ये सॉरी, आप देखो यार आज का लो, आप कल का क्लोजिंग छोड़ दो, कल की क्लोजिंग जो 287 है, आज का लो है 364। खाली आप इस पे जाइए, कल की क्लोजिंग आपकी 287 है, फ्यूचर में मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आज का लो है 364 और आज का हाई है 586। मतलब आज एक तो गैप से खुला महाराज जी, महाराज जी कितने गैप से खुला, 87, चलिए हम इसको मान लेते हो आज की ओपनिंग को, लगभग 93 पॉइंट ऊपर गैप से खुला फ्यूचर में, क्योंकि कल की क्लोजिंग 287 आज 380 पे खुला, उसके बावजूद 206 पॉइंट और बढ़ा दिया। मैंने कितना आशा किया था 100 पॉइंट और बढ़ेगा फिर धड़ाधड़ दे देगा नीचे, ठीक है, लेकिन इसने नहीं दिया, कुछ नहीं सुना। मैं फ्यूचर की बात करूँ तो उस समय अगर 100 पॉइंट ऊपर बढ़ के गिरा देता यानी कि 480, तो स्पॉट आपका सही 430 के आसपास ही रहता, ठीक है, क्योंकि 50 पॉइंट का आज महाराज जी ने प्रीमियम कर दिया। 521 देखिए स्पॉट में दिखा रहा क्लोजिंग और यहाँ 572, ठीक है, यानी कि पूरा 50 पॉइंट। अगर आपने कल का मार्केट देखा होगा तो कल प्रीमियम था सिर्फ 4 पॉइंट का, यानी कि अगर कोई डर के काट भी रहा है तो उसको 50 पॉइंट तो फोकट में ऑपरेटर को देना पड़ रहा है स्पॉट से फ्यूचर का प्रीमियम। तो ये पूरी की पूरी धांधली है, बदमाशी नहीं है, इसको धांधली बोल सकते हो, धांधली मतलब एक तरह से करप्शन, एक तरफ से फ्रॉड ये मार्केट कर रहा है। लेकिन फिर भी ये एक टेक्निकल आपको अभी भी एक सीन देके जा रहा है, क्या सीन देके जा रहा है कि स्टिल लोअर हाइज पैटर्न कैन बी मेड, लोअर हाइज एंड लोअर लोस पैटर्न कैन बी मेड अंटिल अनलेस निफ्टी स्पॉट क्लोजेज अबव 545 टुमोरो। क्लोजेज मतलब जैसा आज क्लोजिंग आई है 521, वैसे कल अगर 545 के ऊपर क्लोजिंग, यानी कि अगर आप देखो तो मैं 24 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, और मैं इमीडिएट टारगेट क्या दे रहा हूँ, 14,080 इमीडिएट टारगेट, जो कि मैंने आपको टेक्निकली ये ड्रॉ करके समझा दिया। इसको बोलते हैं ये हाई ये लो, फिर लोअर हाई लोअर लो, लो ये आगे की बातें कर रहा हूँ, फिलहाल तो ये कल ही सपना टूट जाए क्या भरोसा, कल ही 545 के ऊपर क्लोज कर दे तो बात ही ख़त्म, ठीक है, फिर सपना देखना भी नहीं है। फिर तो फिर यहाँ की बात करो, इस लेवल को भी आराम से दिखाएगा, 14,840 भी आराम से दिखाएगा अगर कल 545 के ऊपर क्लोज करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नाइंसाफी तो काफ़ी हो चुकी है बियर्स के साथ, शायद कल गणपति का बुधवार है तो सुनेंगे महाराज जी, बाकी तो ऐसा लग रहा कि कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो ये महाराज जी बनाने पे तुला हुआ, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है मेरे एनालिसिस में इसमें भी कोई गलती है तो मुझे ज़रूर बताइए, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती है, मैंने जो ड्रॉ किया, अब इसको देख के कई लोग बना दे अलग बात है, ऐसा ही टाइप का, अभी भी टाइगर जिंदा इतना आप बोल सकते हो, लेकिन कब तक जीवित रहेगा ये मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अनटिल अनलेस टुमोरो इट सस्टेन्स क्लोजिंग बेसिस 545। दैट्स इट, आज इतना ही, दुखी मन है लेकिन एक चीज़ खुशी है कि अभी भी 653 काफ़ी दूर है जो पिछले बुधवार को हाई बनाया।